नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है वॉइस न्यूज 18 में। आपके साथ मैं हूँ रचना। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों को एक बार फिर ताजा कर दिया है फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 के दशक में वहां हुए दुर्व्यवहार को दर्शाया गया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन और उस विभीषिका को बयान करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दी। जानकारी योगी आदित्यनाथ ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। हरियाणा पहला राज्य था जहां पर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित यह फिल्म कई राज्यों में पहले ही कर मुक्त की जा चुकी है। द कश्मीर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में है। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी लीड रोल में हैं और इनके अभिनय की खूब तारीफ भी हो रही है। फिल्म में 1990 के दशक में कश्मीर में हुए उस भयावह मंजर को दिखाया गया है जब वहां कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। फिल्म को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर खुशी हो रही है।